संभल में प्रशासनिक उदासीनता के चलते कार्रवाई के अभाव में क्षेत्र में अवैध रूप से ईंट भट्टे संचालित हो रहे हैं। इन भट्टा संचालकों के पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही कोई प्रदूषण नियंत्रण मंडल का प्रमाण पत्र। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में कोई ईंट भट्टा संचालित नहीं हो रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हकीकत को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। स्थित मुख्यपीठ ने राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण मंडल को आदेश जारी कर कहा है कि सरकार और बोर्ड को पूरे राज्य में सर्वे कर इन बिना लाइसेंसी भट्टों को बंद कराने का निर्देश दिया था। एनजीटी के आदेश जारी हुए भी थे आधा दर्जन, आधा समय तो बीत गया मगर क्षेत्र के ईंट भट्टों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित कर रहा है। अवैध भट्टों पर अगर कार्रवाई की भी जा रही है तो सिर्फ खानापूर्ति के लिए। क्षेत्र के सिरसी, बराई, बैतला, शाहपुर, रेहटोल, मेलक, राजा कपूर व असमोली, मुबारकपुर, पंत, मतावली पट्टी, परशुराम, रतुपुर, ओबरी, भैसोंडा, गुमसानी आदि गांवों में भट्टों का संचालन किया जा रहा है। गौरतलब है कि अवैध भट्टा संचालक कासिम ने फर्जी पॉल्यूशन दिखा करके रॉयल्टी जमा करवा ली, जिसका भट्टा बरहाई में आज भी सेंट ब्रिक वर्क के नाम से संचालित किया जा रहा है और इस भट्टे पर बेखौफ जेसीबी मशीन से कार्य किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं कर पा रही है। वहीं जिलाधिकारी मनीष बंसल का कहना है कि अगर किसी भी गांव में अवैध ईंट भट्टे संचालित हैं तो भट्टे माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहां तो कुछ और ही नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले खानापूर्ति के तौर पर कुछ भट्टों पर कार्रवाई की थी, जो कि अब विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से कार्य चल रहा है। क्षेत्र के सभी अवैध ई भट्टों पर डंके की चोट पर जेसीबी मशीन एवं डंपर द्वारा किया जा रहा है।